आयुष्मान खुराना पिछले दिनों से लगातार बधाइयां बटोर रहे हैं। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है, जहां करोड़ों की लागत से बनी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने एक हफ्ते में ही बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया, वहीं पिछले महीने रिलीज हुई लो बजट फिल्म बधाई हो को अब भी दर्शकों का प्यार मिल ही रहा है। एक अलग कॉन्सेप्ट पर बनी फिल्म बधाई हो ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने एक ट्वीट में जानकारी दी कि बधाई होने वर्ल्ड वाइड 201 करोड़ रुपए का व्यापार कर लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में अमिताभ बच्चन ने भी निर्देशक अमित शर्मा और अदाकारा नीना गुप्ता को पत्र भेजकर फिल्म बधाई हो में उनके काम की तारीफ की थी। फिल्म देखने के बाद अमिताभ बच्चन ने अदाकारा को अपने हाथ से लिखा एक पत्र और फूलों का गुलदस्ता भेजा। नीना गुप्ता को जब ये तारीफ मिली तो उन्होंने एक तस्वीर क्लिक की और उसे ट्विटर पर साझा कर दिया। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा, आपसे ये पत्र और पुष्प पाकर आंखें खुशी से भर आईं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बता दें कि बधाई हो में आयुष्मान ने एक ऐसे बालिग बेटे का किरदार निभाया है जिसके माता पिता को फिर से संतान होने वाली है और जो इस मामले में समाज की रूढ़ मान्यताओं से निपटने की दुविधा से गुजरता है। आमतौर से सिनेमा में नहीं फिल्माए जाने वाले इस विषय को संवेदनशीलता से फिल्माए जाने को दर्शकों ने काफी पसंद किया। फिल्म में आयुष्मान खुराना, सानिया मल्होत्रा के साथ सुरेखा सीकरी, नीना गुप्ता और गजराज राव ने भी मुख्य भूमिका निभाई। तो आप भी कहिए बधाई हो बधाई हमारे कमेंट सेक्शन में, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नवप्रवाह लाइव।